जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड से और अपने गांव की उन खूबसूरत सी वादियों से। दोस्तों आप पीछे देख सकते हो कितना मस्त सा नज़ारा है। और आज पार्ट क्या है, दूसरा दिन, देखते हैं आज क्या होता है। मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 6:30, तो देखते हैं आज का ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होता है। आपको जरूर बताएंगे कि आज क्या क्या होता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल मुंह भी धो दिया है और अब तैयार होते हैं क्योंकि पार्ट क्या है, दूसरा दिन, और अब जाते हैं हम पार्ट में। अभी फिलहाल हम हो गए तैयार और दादी हमें दे रही है यहाँ पे, देख सकते हो, पूजा के लिए, जब मतलब आरती लेते हैं तब के लिए दे रही है दादी हमें पैसे आरती में रखने के लिए, क्योंकि कभी खाली हाथ आरती नहीं लेते। और अभी हम तैयार हो चुके हैं, अब हम जाते हैं गांव, मिलता आपसे सीधे गांव जाके। दोस्तों अभी फिलहाल हम आ गए गांव और अब क्या क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे, अब आज पाठ कर, ये किस चीज के लिए, क्या चढ़ाने के लिए, मंदिर में जा रहे हैं अंदर टीका लगवाने के लिए। यहाँ पे 10 रुपए ले लिए मैंने टीका लगाने के लिए। ओम श्री सत्य लक्ष्मी सपत्याम बहुरात्रे पारस्वय नक्षत्राणि रूपम सनो व्याप्तम ईशान्य किरणे। और ये रही नंदा देवी की डोली, यहाँ पे हरियाली जमाने के लिए रखी हुई है। और यहाँ पे मंडप देख सकते हो आप, सारे पितृ देवता और इष्ट देवता सभी हैं यहाँ पे। उसको यहाँ पे देखना, मैं अंकिता को लेने गई थी, इसने हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए। थक लग गई यार मैं, जल्दी जल्दी आई पागल। जिसके भी फास्ट है उनको सबको ये मिल रहा खाने के लिए। यहाँ पे सबके सब खा रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये मनीषा, मैंने सोचा तुम मिल नहीं निकालेगी, पर तेरा धन्यवाद सच में, कसम से फिर मैं मुद्दा कर दूंगा। हाँ क्योंकि तुझे पता हम भूखे थे। दोस्त अभी फिलहाल हम आ रखे हैं इसके घर पे और इसको देखना, हमने यहाँ पे चाय भी पी ली है और आराम भी कर लिया है क्योंकि मेरी पिंदे कहाँ जा रही थी। और अभी फिलहाल वही खाने में क्या बन रहा अभी दिन में, आलू आलू भाई, मुझे लग किसी एंगल से नहीं लग रहा, हमारे बर्थ भी होंगे, कितना सारा खा रहा हम कसम से। अरे फास्ट में खाते है, एक बात बोल रहे ना मैम, एक और उपवास है हमारा, तो हम 4 बजे खाएंगे सीधे खाना, और पहले आलू खाएंगे उसके बाद हम दिन में खाना खाएंगे और उसके बाद सीधे कल खाएंगे। शाम को क्यों खाएंगे, दिन में 4 बजे, शाम 4 बजे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी फिलहाल हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं आराम इसके घर पे, इसको देखना ये यहाँ पे सिलाई कर रही थी, अभी तक हम इसको डिस्टर्ब करने आ गए। और इसको मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे क्या, मुझे सिस्टम खराब हो रहा है, अजीब है ये कसम से। दोस्तों अभी फिलहाल हमने शॉर्ट्स वीडियो भी बना लिया, अब जा रहे हैं हम नीचे, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है क्योंकि यहीं पे है। संजना इसको पता नहीं किसको चिल्ला रही, क्या था वो, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अब मुझे लग रहा है यहीं पे बैठना पड़ेगा फिर से, फोन भी चार्ज नहीं है यार, क्या करे। चलो मैं चलते पूजा देखा, ये नहीं आ रही है काम कर रही है, तो मैं काम कर रही हूँ गाइस, ये निठल्ले निठल्ले, अब जाते हैं वहाँ देखते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे आ गया है स्पीकर और अब आएगा असली मजा नाचने में, जबकि है ना अब आएगा ना मजा, अब लग रहा तुझे कुछ, वरना अभी तक तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ शांत सी जगह में बैठ रखे हम, लेकिन जब डीजे लगेगा तभी मजा आता है, तो अब वही तो आ रहे बैठ रहे घर जा रहे, अब रात को भी मजा आएगा क्योंकि सबके सब नाचेंगे डीजे पे, तो देखते हैं फिलहाल आज का दिन कैसा रहता है। रूम में बैठे हुए थे, हमने सोचा लोग आलू खाने लग गए, इसीलिए हम दोनों पहले याद दीदी है ना, हम इनको बोल रहे हमें यहाँ पे दे देना आलू, हम यहाँ पे ठीक है, हमको तो अभी ले जाइए खिमा, तो हम फोन करने दे दिए याद से, अभी फिलहाल हमने यहीं पे मंगवा लिया, अगर ला अगर ये ला देगा तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पहले के जमाने में कुछ ऐसे रहते थे दरवाजे वगैरह रूम वगैरह, देखना मिट्टी का घर देख सकते हो आप कैसा है, और अच्छा भी लग रहा है, ऐसे घर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हम सबसे पहले हम आलू लेंगे, यहाँ पे देखो आलू आ चुके हैं, यहाँ पे आलू आ चुके हैं, और हमें यहाँ पे दो तीन दे देना हमें यहाँ पे ठीक है, निकाल अच्छा पहले ये पंडित के लिए लेके जा रहे हो ऊपर,
अंकु को कॉल करना, हमारे साथ की एक लड़की पता नहीं कहाँ गई, तब से बोल रहा हूँ उसको कॉल भी कर रहे, उठा ही नहीं रही वो जल्दी जल्दी। और यहाँ पे आलू आ रहे रहने देना, यहाँ देखना कितने सारे आलू निकाल दिए हमने यहाँ पे, खा लेंगे चल छोड़। ये कैसे उठाओ, मैं यहाँ पे जा रहे हम आलू लेके अंदर, इसको देखना यहाँ पे भाई साहब, ये आलू आलू ये हमारी फ्रेंड के लिए है। दो के सबके लिए अब हम आलू खाते, पेट पूजा करते हैं सबसे पहले। दोस्तों आप देख सकते हो मैं आलू खा रही हूँ, यहाँ पे व्रत का फायदा, यहाँ पे देखो आलू 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 आलू, 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 आलू देखो ये खाएगी ये मस्त हो रही यार। दोस्तों हम दोनों ने सोचा था आज से हम ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, क्योंकि कल ना दिन का खाना खा के पेट फुल हो गया था, अभी एक एक कटोरी खाली कर दिया, एक एक और खा रहे, और तब अभी याद आ रही कि कल क्या बोला था कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे, क्या होगा हम दोनों का। यहाँ पे चाचा सब्जी की कटिंग कर रहे हैं, अभी देखते हैं कैसे करते आते भी है, चाकू खराब है यार, क्या खराब है। और अभी यहाँ पे करते हैं खाने की तैयारी, और अभी हम जा रहे हैं घर, घर जाते हैं और फिर बाद में सीधे खाना खाते हुए आएंगे, जब खाना खाने का टाइम होगा तभी आएंगे। और भूख तो नहीं लग रही, बर्त है पर भूख नहीं लग रही, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाया, आलू भी खाए अभी, तो इसलिए भूख नहीं लग रही। अब सीधे घर जाके ही आते हैं, थोड़ा घर के दर्शन भी ले लेते हैं। कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लड़के लट्ठी और उनको मारने जा रहे, मैं इतने जल्दी आ गए घर है कुछ काम नहीं है इनका, मतलब कुछ काम पास भी होता है। किसकी भैंस है ये, देखो गाइस ये डर भी नहीं रही, इसको देख के खुद डर रही है, बहुत ज्यादा ढीठ है। ले 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 अब तो उसे भगाने, देखते ये भगा पाती नहीं भगा पाती, मुझे बोल रही थी ना। अभी देखने ये तो जितनी ढीठ खुद भी है उतना और कोई बना देती है, क्या बात, नहीं डरा नहीं डरा, अब हाथ से मार रही वो बिल्कुल भी नहीं जा रही। ओ भाई ये हमें डराने पे लगी है, कोई नहीं जालो जालो घर जालो। और अभी हम फिलहाल अपने घर पहुंच गए, देखो मणि हमारी भैंस है, गाइस ये हमारी भैंस नहीं है, हमारी भैंस नहीं है ये, और रुकी है लेकिन वो जल्दी आई है, कायमी की और लोगों की भैंस तो लेट में आती है घर, मतलब की ऐसी हमारी भैंस तो शाम को फिर 6 बजे आती है शाम को घर, ना कभी जल्दी ना कभी देर में। तो अभी फिलहाल हम घर पहुंच गए, देखते अभी घर जाके क्या करते हैं। गाइस अभी भैया भाभी और लोग आए हैं, तो हम लोग सामान लेने गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं घर, मिलते हैं आपको घर में। तूने कुछ पीठ पे लगा रखा, मैं सर में दर्द हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस लड़की को देखना, अभी कल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कल हम जाने वाले हैं कहीं, इनको लेके ही जाएंगे ना, और कल ही पता चलेगा आपको कि हम कहाँ जाएंगे। अभी हवन के लिए ये, बट आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, और लगी हुई बेचारी मेहनत पे, इसने इसने सारे कर दिए यहाँ पे, देखना। सो दोस्तों अभी फिलहाल मैंने सर में परंदा और स्वेटर पहन लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा स्वेटर पहन लेती हूँ। और अभी फिलहाल हम गांव जा रहे हैं, पहले होगी पूजा और उसके बाद करेंगे हम पेट पूजा, तो अभी जाते हैं गांव, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ ऊपर है खूबसूरत से पहाड़, और ओए यार ये भी डराता रहता है, और यहाँ ऊपर खूबसूरत से पहाड़ है। हम दोस्तों अभी फिलहाल अंदर पूजा की तैयारी चल रही है, यहाँ पे झूंडाल लग रहे सब। दोस्तों अभी फिलहाल हम यहाँ पे जा रहे हैं सबके सब आरती करने के लिए, देख सकते हो आप यहाँ पे। दोस्तों ये लड़की बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरे पास,
गाइस ये देखो रंजना इतनी गंदी है, रंजना के पास बच्चे नहीं आते, बच्चों को रंजना से देखना आगे इतनी क्यूट बच्चे यहाँ पे। आराध्या इसका नाम। हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हाय हाय, हे गाइस, गुड, हे गाइस, हेलो गाइस, तुम बात तो अब बोले अभी ऐसे क्यों, तो मैं जो हेलो को गाइस से मार रही है, ये मुझे गंदी है। दोस्तों यहाँ पे आरती आ चुकी है, इसकी जेब से पैसे नहीं निकाल रहे यहाँ पे आपके लिए, ये आप भी ले लो आरती यहाँ पे। इस लड़की ने आपको आरती दे दी है, कितनी अच्छी लड़की है, यहाँ पे सबके सब ले रहे हैं यहाँ पे आरती। दोस्तों अब यहाँ पे व्रत खुलाने के लिए मिल रहा है प्रसाद, सबके सब ले रहे प्रसाद भाई, कुछ ज्यादा फुल हो गई। अभी फिलहाल हम खाते हैं प्रसाद। सो दोस्तों अभी यहाँ पे सबके सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, देख सकते आप हवा से उड़ के, हवा से उड़ के इनके। और अभी फिलहाल हमें पलेटी पलेट मिली, पता है मनीषा खाना कहाँ गया, खाना पता नहीं कहाँ गया, किन का खाना, तूने तू पा खाना लिया, खाना लावा, खाना दे दे, भूख लगी है, खाना दे दे, भूख लगी है, खाना दे दे, भूख लगी है। तो यहाँ पे मेरा भाई बांट रहा है यहाँ पे खाना, सब्जी दे दी उसने मुझे, और दूसरा भाई यहाँ पे रोटी बांट रहा है। अभी यहाँ पे मेरा खाना भी आ गया, सैलेड, चटनी, दाल भात और मिक्स वेज और रोटी, और यहाँ पे देख सकते हो सबके सब लगे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे ये लड़की अभी यहाँ पे सिलाई मार रही है मेरे कुर्ते में, और उसने मिल गई ये वाला सूट सिला, पैजामा तो हो गया, अब आपको किसी दिन उस दिन दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी इसको। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे बुड्ढी और के घर पे, यहाँ पे बुड्ढी बुड्ढी जी बुला रही है। हाँ छांगा छांगा बूढ़ी आठ मिनट में क्या कर, मैंने तो सुन तो मैं कट रहा आलू अभी खीन वाल, अतः तुम ड्राई फ्रूट भी खीन वाले। सो दोस्तों अभी फिलहाल हम आ गए घर पे, यहाँ पे देखना दादी के ऊँच आ गई अकेले अकेले, ये यहाँ बैठ रखे सब के सब यहाँ पे, और अभी फिलहाल थोड़ा सा आराम कर लेते क्योंकि रात में कीर्तन में भी जाना है, अभी क्योंकि रात को भी पूजा होगी फिर कीर्तन होगा तो फिर जाएंगे रात में। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गांव और पूजा में और कीर्तन भी होगा, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी फिलहाल गांव जाते हैं, और रास्ते आप देख सकते हैं यहाँ कितना अंधेरा है, तो रास्ते में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा ही नहीं रखी हुई, ना लाइट की ना रास्ता सही कर रखा, फिर इसीलिए हमें ऐसे जाना पड़ता है। तो आपको सीधे आप गाँव जाके मिलते हैं। सो दोस्तों अभी फिलहाल हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है, आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा, तो पूजा स्टार्ट हो गया, सबके सब जाने के लगे ऊपर। अभी फिलहाल यहाँ सबके सब लगे हैं लाइन पे पूजा करने के लिए। कामेश्वर कुबेराय महाराजाय नमः, ओम द्विशतश्चक्षुरुतः द्विशतो मुखो द्विशतो बाहुरुतः द्विशतस्पाता सम्बाहुभ्यां धमति शम्पत्रेरार्ध्या वा भूमि जनयन्न देवैकः, एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, ओम कात्यायनी। दोस्तों अब यहाँ पे दादी आरती लेके आ रही है, आप देख सकते हो मेरे आरती ले, ये फोन पे ही लगी हुई, यहाँ पे दादी ने ली आरती,
यहाँ पे कीर्तन शुरू हो गया, आप देख सकते हो आगे दादी जी माइक में भजन बोल रही है। यहाँ पे दादी और भजन बोल रहे थे और मनीषा और मैं मस्त करके यहाँ पे नाच रहे थे। और यहाँ पे अब हमारी दादी जी भी हमारे साथ नाचने आ गई हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे हमारी सिद्धि माता का गाना गाया जा रहा है, देख सकते हो आप दादी यहाँ पे अच्छे से गा रही है। नौ झूला हिंदाओं का मतलब ये जो हमारा गांव आता है वो नौ झूला हिंदाओं में आता है, और जो नौ झूला हिंदाओं है वहाँ की मतलब जगदी माता जो है वो नौ झूला हिंदाओं की सारे मतलब सारे जितने भी गांव आते हैं सारी जगह की जगदी माता हर जगह की है, जितने भी गांव आते हैं नौ झूला में। मतलब कि जनवरी के टाइम पे जनवरी सॉरी दिसंबर लास्ट में होती है जगदी जात की, जहाँ पे जगदी जात होती है वहाँ का नाम है सिला। सो गाने में आपको आधे से ज़्यादा समझ आ रहा होगा, ये पूरा गाना हमारी जगदी माता के लिए है, अच्छे से सुनना ज़रूर गाने को। ऊपर टॉप में जगदी माता का मंदिर है, उसके बाद नीचे हमारा गांव। अब यहां पे खत्म हो गया और अब हम जा रहे हैं घर। दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ घर और रात के बज गए हैं 10:30 और अब सोने का टाइम भी हो गया है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलता है आपसे कल के ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय।